राज्य में वर्तमान स्थिति रे कोविड संक्रमण धीरे धीरे कमुवा बेले आश्चर्यजनक भाव प्रत्येक दिन मृत्यु हार बढ़ी बढ़ी लगी। राज्य में वर्तमान स्थिति रे कोविड संक्रमण धीरे धीरे कमुवा बेले आश्चर्यजनक भाव प्रत्येक दिन मृत्यु हार बढ़ी बढ़ी चली। राज्य सरकार कोविड रे मृत्युबरण करितबा व्यक्ति विशेषक प्रकृत तथ्य प्रदान करिवारे आरंभरु अनियमितता को प्रोत्साहन देछंती एवं जानिशुणी कोविड मृत्युर सत्य को चापी देबापाई अपचेष्टा करुछंती। आज प्रदेश कांग्रेस पक्षरु आयोजित सांबादिक सम्मेलन में कोविड मृत्यु को नहीं राज्य कांग्रेस कार्यालय मुखपात्र निशिकांत मिश्र राज्य सरकार नीति और निष्पत्ति को नहीं प्रश्न करिछंती। पूर्वरु राज्य सरकार ऑफिशियल पोर्टल एवं नयागढ़ सीडीएमओ तथ्य आधार में मिछ कोविड मृत्युर प्रदेश कांग्रेस तरफ पर्दाफाश कर आश्चर्यर कथा ओडिशा सरकार विभिन्न विभाग मध्ये कोविड मृत्युर तथ्य को नहीं भिन्न भिन्न तथ्य रखा कथा सामना को आसीबा परे वर्तमान राज्य सरकार दाखल करितबा सत्यपाठ को नहीं मान्यवर उच्च न्यायालय असंतोष प्रकाश करिछंती। राज्य सरकार गत जुलाई 5 तारीख में समय नहीं रिपोर्ट दाखल करने जुलाई 20 तारीख में सत्यपाठ जरिया रिपोर्ट दाखल करते जुलाई 28 तारीख में मान्यवर हाइकोर्ट रिपोर्ट को तर्जमा कलापर यह संपूर्ण नुहे कह सहित जिला स्तर में कोविड मृत्युर सरकार जो अडिट कर प्रकारभित्ति मोर्टालीटी संपर्क में कहीं नीरव से संपर्क में प्रश्न कर एबे जो कथा भी हमें कहू मान्यवर उच्च न्यायालय मध्य राज्य सरकार तथ्य उपरे भरसा करि परि नांती मान्यवर उच्च न्यायालय सीधा सड़क भाव कहते बड़े संवेदनशील प्रसंग में राज्य सरकार मात्र तीन पेज सत्यपाठ दाखल कर राज्य सरकार नहीं जिला वारी कोविड अडिट तथ्य को मान्यवर उच्च न्यायालय प्रश्न कर राज्य सरकार सत्यपाठ रे ऑडिट पे कौन मोडालिटी फिक्स कर आमे जो प्रश्न करास्तव में राज्य सरकार पोर्टाल और नयागढ़ सीडीएम तथ्य तालमेल खाऊना ता सत ना मिछ ता उल्लेख करना राज्य सरकार एक पूर्णांग रिपोर्ट दाखल करने निर्देश देले जो पूर्णांग रिपोर्ट की मान्यवर उच्च न्यायालय विश्वास केवल आम विश्वास ओडिशा लोक विश्वास विधायक विश्वास मान्यवर उच्च न्यायालय एफिडेविट को विश्वास कले ना जो तथ्य राज्य सरकार मान्यवर उच्च न्यायालय पाखे रखी तार नमूना आपको देखा मात्र तीन पेज रे समग्र राज्य बड़ा प्रसंग को स्थानित करने को चेष्टा कर राज्य सरकार एवं समस्त को समस्त प्रसंग को चतुरतार सह देवा चेष्टा कर मान्यवर उच्च न्यायालय धरते खाली सत्य की नुहे मान्यवर उच्च न्यायालय स्पष्ट भाव उल्लेख करवर्ती समय राज्य सरकार जो तथ्य देवे भरोसा योग्य होगा दरकार अर्थात राज्य सरकार तथ्य को मान्यवर उच्च न्यायालय ग्रहण करना आम कहूल राज्य सरकार कोविड मृत्यु प्रसंग रे स्वतंत्र ऑडिट करंतु एज पे करंतु राज्य सरकार कोविड रो परवर्ती समय रे जो माने अनाथ होई चंती से परिवार रो मुखिया कोविड रे निधन होई चंती तांको थैथान करिया पे योजना प्रस्तुत कर चंती जदे एई योजना रो सटीक हिताधिकारी चयन करा न जाय कहा पाखे योजना पहुंचे परवर्त समय भूत हिताधिकारी पुणी थे चलो राज्य सरकार बारंबार डिंगडिंग पिटुचार साढ़े चार कोटी जनसाधारण मोर परिवार कांग्रेस प्रश्न जदि राज्य सरकार कहते चार कोटी जनसाधारण
କେତେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିପାରିବେ, ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକ ଫେରି ଆସିବନି, ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ଦାବି ଆମେ ଦୌଡ଼ିଥିଲୁ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ଦାବି ଦୌଡ଼ଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଭୁତେଇଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁତେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭୁତେଇଲେ, ଏବେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଭୁତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ରେ 117 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଚରମ ଉପହାସ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋ ପରିବାର ନାରା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।